हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति। कैसे हो आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आपको तो पता ही, हमारी प्रिंसेस कट विद पफ स्लीव्स ब्लाउज चल रही है। तो कटिंग तो मैंने कंप्लीट कर दी थी, स्टिचिंग बाकी है। तो अभी तक किस किस ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी, तो कोई बात नहीं, अभी तक जिसने कटिंग की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज हम उसी ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करनी है, पफ स्लीव्स को हमें कैसे स्टिच करना रहेगा, प्रिंसेस कट को हमें कैसे स्टिच करना रहेगा, वो भी प्रॉपर मेथड के साथ, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने कॉटन का जो भी हमारा फैब्रिक था उसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब इसको आपको कोई भी एक ना रॉन्ग साइड पे मार्क कर देना है। ओके, यहाँ पे ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। ओके, ये वाली रॉन्ग साइड है, और ये जो हमारा फैब्रिक है ना उसको भी हमें सीधी साइड कौन सी है वो पहले डिसाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमें ये वाली जो साइड रहेगी ना उसको हम सीधा रखेंगे। देखो, ये वाली साइड को हम सीधा रखेंगे तो उसको हम ऐसे उल्टा रख देंगे। उसके ऊपर ये जो भी हमारी रॉन्ग साइड है उसको भी हम उल्टा रख देंगे, फिर पूरा हम इसको स्टिच लगा देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। तो ये जो साइड रहेगी ना ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है तो इसकी ये रॉन्ग साइड रहेगी, और जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसकी ये वाली रॉन्ग साइड रहेगी। तो रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड ये है ना, तो इसको हम सीधा रखेंगे। जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे। ये हमने सीधा रख के हो गया। अब जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रख के हो जाएगा। अब हमें हाफ इंच का गैप रख के नेक पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमने इसको डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम लाइनिंग के बराबर कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब इसके अंदर हमें कट्स लगानी है। तो जो भी हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ पे कट्स लगाना कंपलसरी रहेगा, और पूरे नेक पे भी हमें कट्स लगा देनी है। कट्स लगा के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें धार स्टिच लगानी है। तो जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम अस्तर की साइड जाने देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे। धार स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पीछे की साइड जाने देंगे, जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको। अब यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे नेक पे। नेक पे हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब पूरा इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करके हो जाएगा। अब पहले हम इसमें प्रेस लगा लेंगे ताकि यहाँ पे जो भी क्रीज है वो सारी निकल जाए। उसके बाद यहाँ से पूरा हम इसको स्टिच कर देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी पूरा पैक कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने पूरे में स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग के बराबर कट कर देंगे। तो
जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने लाइनिंग के बराबर कट कर दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे, फिर उसके बाद हमें प्रेस लगा देनी है। अब ये हमारा दोनों प्रिंसेस कट है ना, तो जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था ये हम उसकी रॉन्ग साइड रहेगी, ये वाली साइड इसकी रॉन्ग साइड रहेगी, तो रॉन्ग साइड को मैंने रखा। उसके ऊपर लाइनिंग जो भी अस्तर का कपड़ा था उसको भी हमने इसके ऊपर रॉन्ग रखा। फिर पूरे में हम इसको स्टिच लगा देंगे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सेम तरीके से इसको भी हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे, फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है। वो सिंपल ही है तो उसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ पे हमने दोनों प्रिंसेस कट को रेडी कर दिया है। देखो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर दिया है। अब जो भी हमारा फ्रंट का ये वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर हम प्रिंसेस कट को ऐसे रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। यहाँ से तो नहीं रख सकते क्योंकि हमें ये तो सिलाई में जाने वाला है, तो यहाँ से रखेंगे। यहाँ से हमारी स्टिच आएगी ना तो वो प्रॉपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको रखते जाएंगे ऐसे ऐसे करके यहाँ तक। सेम तरीके से ये वाले प्रिंसेस कट को भी उल्टा रखना है, फिर यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई लगाई, फिर भी आप देख सकते हो हमारे प्रिंसेस कट का शेप देखो एकदम प्रॉपर आया, एकदम राउंड शेप। अभी हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे, फिर हम एक कट्स लगा के इसको प्रेस लगा देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड का भी प्रिंसेस कट रेडी कर देंगे। अभी हमें बैक पार्ट को ले लेना है, और यहाँ पे हमने कैनवास लगा दिया है, तो कैनवास लगाया है ना उसकी उल्टी साइड, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हम मार्क कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इतना तो हमारा सिलाई में जाने वाला है। ओके, देखो मैं चौक से आपको मार्क करके समझाती हूँ। देखो इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा जो हम लास्ट में पट्टी लगाएंगे ना उसमें। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे, फिर हाफ इंच के गैप पे एक मार्क करेंगे। हाफ इंच के गैप पे मैंने एक मार्क कर दिया, हाफ इंच के गैप पे एक मार्क करेंगे, फिर एक लाइन और एक मार्क करेंगे। क्लियर हो गया? देखो मैंने हाफ इंच यहाँ पे तो ये पट्टी लगने वाली है उसको मार्क किया, फिर हाफ इंच के गैप पे एक मार्क किया और एक लाइन और मार्क किया। अब वापस से हम वन इंच को यहाँ पे रखेंगे, फिर हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर वन इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे वन इंच पे इसको रखेंगे, फिर हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर वन इंच पे एक मार्क करेंगे। ऐसे आपको जितनी भी लूपी लगानी रहेगी ना उतना आपको मार्क कर देना है। टोटल हमें 6 लूपी लगानी है एक साइड पे। ओके, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लूपी लगा सकते हो। देखो ये जो लूपी रहेगी ना वो यहां से लेके ऐसे आएगी, ऐसे करके देखो 6 लूपी यहाँ पे हमारी लग जाएगी। तो इतना मार्किंग हमारा इनफ हो जाएगा। अब सेम मार्किंग को हमें दूसरी साइड भी कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लूपी रेडी कर दी है। लूपी हमें कितने इंच की बनानी है वो देख लो। देखो यहाँ पे हमने 2.25 इंच की लूपी रखी है, आप 2.5 इंच की भी रख सकते हो। अब लूपी को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है। अब ये वाली लूपी को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। ओके,
देखो यहाँ पे हमने लूपी अटैच करके हो गया, जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे। उसके ऊपर जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना ये, उसको हम उल्टा रख देंगे। तो यहाँ पे हमने लूपी को स्टिच करके कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये फैब्रिक कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको हम रख देंगे, तो यहाँ पे हम इसको उल्टा रखेंगे। मेन फैब्रिक ना इसकी ये वाली सीधी साइड रहेगी, ये सीधी साइड है, ये हमारी फैब्रिक की सीधी साइड रहेगी। उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रख देना है, इस तरीके से हम रख देंगे। फिर यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसमें हम कट्स लगाएंगे, फिर धार स्टिच लगा देंगे। ऐसे कट्स लगाएंगे, फिर इसको हम ओपन करेंगे। ऐसे जो भी हमारा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे, यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे, फिर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो ये पूरा बैक साइड का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धार स्टिच लगा के हो गया, अब हम फैब्रिक को ऐसे पीछे की साइड कर देंगे, पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट की सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके हो जाएगा। अब हमें इसको पूरा स्टिच कर देना है मेन फैब्रिक के साथ। ये हमने पूरे में स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम उल्टा करेंगे, फिर जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना उतना ही हमें मेन फैब्रिक को भी रखना है, तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड का भी रेडी कर देना है। हम स्लीव्स के लिए बेल्ट बनाएंगे, तो बेल्ट कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने बेल्ट तो बना दिया है, बट मैं आपको समझा दूंगी कि बेल्ट कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर मेन फैब्रिक पे चिपका दिया है, उल्टी साइड पे, उल्टी साइड पे मैंने चिपका दिया। फिर आपको जो भी हमारा ये वाला फैब्रिक है उसको सीधा रखना है, और जो हमने कॉटन का फैब्रिक कट किया था उसको इसके ऊपर उल्टा रख देना है। उल्टा रखने के बाद ये हमारी मोरी की साइड रहेगी ना, तो आपको यहाँ पे स्टिच लगा देना है डबल सिलाई। डबल सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देना है। फिर हमें कट्स लगा के इसको ऐसे धार स्टिच लगा देनी है, फिर इसको पूरा अंदर करके पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। देखो ये पॉइंट की सिलाई लगा देनी है, फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ये वाला मेन फैब्रिक हमारा ज्यादा रहेगा तो उसको हमें अस्तर के बराबर कट कर देना है। तो ये हमारा हो गया बेल्ट रेडी हो गया। अब ये हमारी स्लीव्स है, तो ये स्लीव्स की रॉन्ग साइड रहेगी, तो हम इसको सीधा करेंगे। और यहाँ पे हम प्लेट्स लगाएंगे, ये प्लेट्स हम कितनी लगाएंगे, तो जितनी हमारी ये मोरी इसको हम सीधा रखेंगे, पूरा हमारा यहाँ पे आ जाना चाहिए इतने में, उतनी हम प्लेट्स लगाएंगे। और यहाँ पे भी सेम, जो भी हम स्लीव्स जहाँ पे लगाने वाले हैं वहाँ पे ये इतना आ जाना चाहिए, उतनी हमें प्लेट्स लगा देनी है। तो पहले हम यहाँ पे प्लेट्स लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लेट्स लगा के कंप्लीट हो गया। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, तो देखो इतना फैब्रिक हमारा कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से दो एक एक प्लेट्स को निकाल देंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉपर फिटिंग आ जाएगा।
अब जो भी हमने बेल्ट रेडी किया है ना, उसको हम ऐसे उल्टा रख देंगे। उल्टा रखने के बाद ये हमारी स्लीव्स है, तो स्लीव्स की रॉन्ग साइड कौन सी है? ये वाली। तो हम इसको रॉन्ग साइड पे रखेंगे, सॉरी इसको हम सीधा ही रखेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे। फिर यहाँ पे इसको रख के स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे भी हम तार स्टिच लगा देंगे। अब हमें ये वाले पार्ट्स को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है और पॉइंट की सिलाई लगा के इसको कवर कर देना है। यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे थोड़ी सी प्रेस लगा लेंगे ताकि हमारी प्लेट्स एकदम सेट हो जाए। इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स लगा के कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर दिया है। अब हम इसको लगा दें, इसको हमें ब्लाउज में कैसे अटैच करना है ना, वो देखेंगे। हम पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसको ले लेना है, उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रख देना है। उल्टा रखने के बाद शोल्डर को हम ऐसे मिलाना है और यहाँ पे हमें डबल स्टिच लगा देनी है। दोनों शोल्डर को हमने जॉइंट करके कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे और जो भी हमने स्टिच लगाए ना, वो हमारी पीछे की साइड जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है तो इसको आप कट कर सकते हो। ये हमने कट करके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने इसको ओपन करके हो गया। अब फ्रंट साइड से हम स्लीव्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने स्लीव्स अटैच करके कंप्लीट हो गया। दोनों साइड की स्लीव्स हमने अटैच कर दी है। अब नीचे हमें पट्टी लगानी है ना, वो कंप्लीट कर देंगे। अब ब्लाउज को मैंने सीधा ही रखा और 0.25 इंच का गैप रख के मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा दी है। अब हम इसको यहाँ से पट्टी लगाएंगे। तो ये जो हमने पट्टी है ना, वो निकाल दी है यहाँ से ज्वाइंट लगा के। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से ओपन करेंगे।
फिर ये वाले जो फैब्रिक है ना उसको हम यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमने पूरे में स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे हमने कट्स भी लगा दिए। अब यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है तो इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से हम धार स्टिच लगा देंगे। अगर आपको पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो आप साइड में जीप लगा सकते हो। मुझे ये डोरी ओपन करके पहनने में ठीक रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे जीप नहीं लगाई है। ये हमने धार स्टिच लगा के भी इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। और अंदर की साइड जो रहेगी ना उसमें हमें तुरपाई करना पड़ेगा, हाफ स्टिच लगानी पड़ेगी। की सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। ब्लाउज को हम पूरा उल्टा कर देंगे। यहाँ पे जो स्टिच लगाए हैं ना वो स्टिच लगाते टाइम आपको स्लीव्स में स्टिच नहीं लगानी है, इसको हम पूरा उल्टा कर देंगे। ये हमने उल्टा करके हो गया, ये तो हमारा हाथ सिलाई लग जाएगी तो ये अंदर की साइड पे अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। देखो एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे हम हाथ स्टिच लगा देंगे इसको ऐसे पूरा। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और 0.25 इंच या हाफ इंच का गैप रख के स्लीव्स को भी पूरा स्टिच कर देंगे। अब हमारा सिर्फ फिटिंग बाकी है, तो फिटिंग कैसे करना है, जितनी भी आपकी कमर रहेगी उसका हाफ करके दोनों साइड पे मार्क कर देना है, जितनी भी हमारी चेस्ट रहेगी उसका हाफ करके दोनों साइड पे मार्क कर देना है, और स्लीव्स का जितनी मोरी रहेगी उतना आप यहाँ पे मार्क करो और यहाँ पे मार्क करो, दोनों को साथ में जोड़ के ये वाली लाइन को जो भी हमने चेस्ट पे मार्क किया उसको हमें यहाँ तक इसके साथ मिला देना है यहाँ पे, फिर इसको हम स्टिच लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा के हो गया है, अब हम इसको सीधा करेंगे तो ब्लाउज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारी ब्लाउज बॉडी के हिसाब से परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम बैक साइड से देखेंगे, तो बैक साइड पे हमने इस तरीके की पैटर्न बनाए हैं, उसकी भी फिटिंग आप देख सकते हो। हमने ऊपर से कितना माइनस किया फिर भी हमें बैक पार्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा, बैक पार्ट में हमें लेंथ कम नहीं रहेगी। तो आपको ये ब्लाउज का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।